Excuse me, madam. ये क्या कह रहे हैं आप? अरे हमारा आर्या भला ज्ञान को गोद क्यों लेगा? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि आर्या ही ज्ञान का असली बाप है। ज्ञान आर्या का अपना बेटा है, तो उसे किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत है ही नहीं। कानूनन पूरा हक है आर्या का ज्ञान पर। और हाँ, एक चीज और, जिसे आप बार बार ज्ञान की माँ, ज्ञान की माँ कह रही है ना, ये बेचारी ज्ञान की माँ नहीं है। ज्ञान की माँ तो इसकी बड़ी बहन अनुष्का है। ये तो बस ज्ञान की मौसी है। तो हमें लगता है आपके सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे, तो अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? जानवी कियान की मां नहीं, आर्या कियान का असली बाप है, और असली मां जानवी की बहन है। ओ गॉड, बेचारे 5 साल के कियान के ऊपर इन सब बातों का क्या असर हो रहा होगा? हमें अभी कियान से मिलना है, हमें जानना है कि वो इन सब बातों से कैसे जूझ रहा है। बुलाइए आप लोग कियान को, बुलाइए प्लीज। सर, सर मैंने बाहर का कोना कोना चेक कर लिया, पर कियान बाबा कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। कियान नहीं मिल रहा, मतलब बच्चा खो गया? तो बहुत बड़ी लापरवाही है, पुलिस केस हो जाएगा इस पर। क्या पुलिस केस? ईश्वर, मतलब इतनी बड़ी बदनामी! आर्या चांदनी, तुम दोनों इतने बड़े लापरवाह कैसे हो सकते हो? एक मासूम से छोटे से बच्चे तक को नहीं संभाल पाए। अब सुहासिनी, देखिए सर, मैडम प्लीज, हमारे घर का एक छोटा सा बच्चा, मेरा परपोता कियान, वो कहीं घूम हो गया है, हमें उसे पहले ढूंढने दीजिए, बाद में आपकी जो भी फॉर्मेलिटी से। दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम एक मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते। जानवी चलो कियान को ढूंढने प्लीज। रुकिए रुकिए रुकिए, आप ऐसे धक्का कैसे दे सकते हैं मुझे? एक सरकारी ऑफिसर के ऊपर आप ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते। बच्चा आपकी लापरवाही से खोया है और गुस्सा हम पे दिखा रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे, पहले हमें बताइए कि कियान यहाँ से क्यों गया। तू मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने से रोक दो ना, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करेगा तू? रिपोर्ट बनाए हुए सरकारी ऑफिसर पे हाथ उठाओगे, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम। बंद करो अपनी गुंडागर्दी। सॉरी सर, सॉरी।